नमस्कार साथियों, मैं उपेंद्र प्रताप सिंह, एमडी भारत एक्शन न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि समूची दुनिया को एक महामारी कोरोना ने अपने आगोश में ले रखा है और ये महामारी अब हमारे देश पर भी हावी हो रही है। पहले तो मैं आपसे विनती करूंगा कि भारत सरकार ने लॉकडाउन का जो आदेश दिया है उसका ईमानदारी से पालन करिए, और दूसरा, भारत एक्शन न्यूज की टीम ने एक मुहिम छेड़ी है फरिश्ते। उस फरिश्ते स्कीम के तहत हम लोगों ने 10 लोगों का एक ग्रुप बनाया है जिसकी इजाज़त आप थाने से ले सकते हैं। और वो ग्रुप क्या करता है, अपने मोहल्ले में हर घर से 4 रोटी इकट्ठी करता है और उसके 4-4 रोटी के बंडल को बनाता है, और जो सक्षम लोग हैं वो लोग कुछ कलेक्शन करके एक सब्जी बनाते हैं, वो सब्जी और रोटी ज़रूरतमंदों तक पहुंचाई जाती है। उससे आप पर अकेले वर्डन नहीं पड़ेगा, सब लोगों पर इसकी जिम्मेदारी है, आप आगे बढ़कर ये जिम्मेदारी लीजिए। ये सही मौका है आपको सच्ची देशभक्ति दिखाने का। अभी तक हम लोग फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर अपनी देशभक्ति के बारे में बातें करते थे, अब ये सही, बिल्कुल सही मौका है कि आप अपने को देशभक्त साबित कर सकते हैं। इसके लिए आपको बॉर्डर पर नहीं जाना है, आपको कोई जंग नहीं लड़नी है, आपको जंग सिर्फ कोरोना वायरस से लड़नी है। और कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, ये जिम्मेदारी हम सब की है। जो लोग सक्षम हैं वो लोग ये जिम्मेदारी आगे बढ़कर उठाएं। और फेसबुक पर व्हाट्सएप पर कोरोना का मजाक उड़ाने वाले ये नहीं जानते कि कितनी बड़े संकट से भारत गुजर रहा है। इस संकट की घड़ी में भारत सरकार का पूरा सहयोग करिए, समर्थन करिए, और हर गरीब के घर खाना पहुंचाने का प्रयास करिए। आपसे ये इतनी ही अपील है। जय हिंद, जय भारत।